जिन पुराणों को हमारे हिंदू धर्म के गुरु नहीं जान सके, ये नकली और परमात्मा का विरोध करा दिया उस समय, ऐसा जालिम विरोध करा दिया कबीर भगवान का इन नकलियों ने, क्योंकि हम अशिक्षित थे और इनको वेदों और पुराणों के ज्ञाता माना करते थे, इन खख नहीं आवा था वेदों और पुराणों का। उस परमात्मा को उबड़ते हुए तेल के कढ़ाई में डलवा दिया इन लोगों ने, सरसों का तेल उबड़वा के, और चारों तरफ से दबाव दे दिया राजा पर, और परमात्मा को उस उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में मारना चाहा, लेकिन मालिक थे, बैठ के जाकर अंत हर देख रहे हैं ठाट से भगवान को। आए है अविनाशी थे वह, अविनाशी परमात्मा है वो, अमर प्रभु हैं, कुछ नहीं हुआ, बैठे बैठे देखते रहे। सिकंदर लोदी ने सोचा कि भगवान कबीर साहब जी को कुछ नहीं हुआ तो तुझे क्या होगा, मना करते करते उंगली देकर तेल की उष्णता चेक करनी चाहिए। परमात्मा ने कहा था कि इसमें हाथ ना दिए राजा, उंगली नहीं खोजी नहीं मिलेगी तेरी उंगली, क्योंकि शेख तकी जो सिकंदर लोदी के धार्मिक गुरु थे वो महान दुष्ट था, उसने कह दिया कि ये जादू जंतर जानता है, इसने तेल की तासीर ठंडी कर दी, ये उबलता उबलता नजर आ रहा है, ये उष्णता नहीं रही। तो सिकंदर लोदी ने सोचा ला मैं उंगली देकर चेक कर लूँ थोड़ी सी, फिर निकाल लूंगा जल्दी सी। अब ज्यों ही सिकंदर लोदी ने उंगली डाली, जितनी उंगली उस उबलते हुए सरसों के तेल में गई थी उतनी उंगली चढ़ देसी चढ़ चढ़ करके और कट के अलग होगी। राजा बेहोश हो गया। जब परमात्मा बाहर आए, वो पहले तो छीटे छाटे मार कर जीवित किया पानी के ठंडे पानी से, तो होश में आते ही फिर वो पीड़ा घनी थी, फिर बेहोश हो गया। फिर दोबारा सचेत किया, परमात्मा ने पकड़ के वो उंगली पूरी कर दी कटी हुई मेरी। बोलो सतगुरु दे। और फिर बहुत से यातनाएं परमात्मा को दी, और कारण क्या था कि वो सत्य कहा करते थे, और वही सत्य जो परमात्मा 600 वर्ष कहा करते थे आज इस दास की सेवा दे दी, वही सच्ची बात बताने की। दास के साथ भी इन्होंने कैसा कर तुड़वाया नकलियों ने, क्रोथा कांड करवा दिया झूठ बोल के, ऐसे निर्मल ज्ञान को बता के वहाँ तो बकवाद करते हैं, इस पृथ्वी पर ऐसा शुभ समागम नहीं है, अरे इसको ये बकवाद बतावे थे। गुणात्माओं समर्थ हमारे साथ हैं, ऐसा कहर तोड़ा, इतनी झूठ बोली, इतनी बकवाद गढ़ दी, यदि मालिक साथ ना होते हमारा नामो निशान नहीं मिलता। समर्थ साथ हैं, उनका किया उनका चलाया हुआ ये मार्ग है, इस मार्ग में परमात्मा के मार्ग में जो अवरोध पैदा करता है वो अंधा गधा है। एक अंधा गधा था रेल की पटरी पर खड़ा बेचारा, उधर से गाड़ी आ रही थी, अंधे गधे ने सोचा तुझे कोई छेड़छाड़ करने के लिए आ रहा है, जिधर से गाड़ी आने की आहट आ रही थी उसी तरफ उसने अपने पिछले पैर कर दिए, और तैयारी पकड़ ली कि ये मुझे डिस्टर्ब करने वाला निकट आएगा तो दोनों दुलत्ती मारूंगा, तैयार कर ली। अंधा खड़ा आप रेल के मार्ग में और बताओ कि मुझे डिस्टर्ब करने कौन आ रहा है, तो ट्रेन ने तो आना ही था, और अंधे गधे ने दोनों लात मारी, उठा के पटक दिया दूर पड़ा जाके। तो इन अंधे गधे हैं जो इस मार्ग में अवरोध पैदा करेंगे, वो इंसान नहीं शैतान है, अंत में उनका उस गधे वाला ही हाल करेगा भगवान।